नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। जिद पर अड़े, काम पर तो नहीं लौटे पटवारी, एक और मांग जोड़ दी, हमें नक्सल भत्ता भी मिले। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल 28 दिन से जारी है। वेतन विसंगति, संसाधन, भत्ते और पदोन्नति जैसी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे पटवारियों ने मंगलवार को नक्सली भत्ते की 9वीं मांग भी जोड़ दी है। पटवारियों की 8 मांगों में वेतन विसंगति का मामला वित्त विभाग का होने के कारण इस पर राजस्व सचिव के साथ हुई बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। दरअसल छत्तीसगढ़ के लगभग 5000 से ज्यादा पटवारी 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नवा रायपुर के धरना स्थल के अलावा जिले और तहसील स्तर पर भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण लोगों को हो रही परेशानी के बीच राज्य सरकार ने पहले एस्मा लगाया और फिर बाद में पटवारी से मिलने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों को हड़ताल तक के लिए शिथिल कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाए। नए पटवारी और जो रिटायरमेंट के करीब, वे हड़ताल में शामिल नहीं है। पटवारियों के घरों में शासन का नोटिस चस्पा, काम पर लौटे नहीं तो होगी कार्रवाई। बस्तर में नेटवर्क की समस्या से जूझने वालों को मुख्यालय से बाहर रहने पर नोटिस। सिलेक्शन के बाद 1 साल तक ट्रेनिंग में सिर्फ 2500 रुपए स्टाफंड दिया गया। एस्मा लगने के बाद जिलों और तहसीलों से उखड़ने लगे पंडाल। बताया गया है कि पटवारियों ने दिसंबर 2020 में लगभग 14 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। उस समय नक्सली भत्ता समेत कुल 9 मांगे थी। इसके पीछे उनका तर्क है कि नक्सल इलाकों में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दिए जाने वाले नक्सली भत्ते की तर्ज पर पटवारियों को भी यह मिले। वे भी नक्सल क्षेत्रों में काम करते हैं। सरकार ने सभी काम ऑनलाइन कर दिया है, अब संसाधन नहीं देंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। 2020 में मिले आश्वासन के बाद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हम आंदोलन जारी रखेंगे।